आगरा जिले के तमाउद्दौला के कालिंदी विहार में युवक की गोली मारकर हत्या कर फरार हुए आरोपित से शनिवार सुबह पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में उसके पैर पर गोली मारी। उसे गिरफ्तार कर अस्पताल पहुंचाया। उसके पास से एक बाइक और तमंचा बरामद किया। एक साथी मौके से फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अभी भी दबिश दे रही है। इतमाउद्दौला थाना क्षेत्र के कालिंदी विहार में शुक्रवार की शाम 6 बजे के आसपास शिवम यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। परिजनों ने आरोप लगाया था कि चंद्रसेन, सोनू जाट, सनी ने शिवम को फोन कर बुलाया था और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में लग गई थी। पूरी रात गिरफ्तारी के लिए दबिश दी गई। शनिवार तड़के मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान इतमाउद्दौला पुलिस ने बाइक पर आते देख चंद्रसेन और उसके साथी को रोका तो उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी और उल्टे पुलिस वालों पर ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में चंद्रसेन के पैर में गोली लगी और वो बाइक समेत गिर गया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है। हत्याकांड में शामिल आरोपी क्षेत्र के ही आलोक यादव के साथ रहते थे। आलोक यादव का अभी अभी क्षेत्र में हुई एक हत्या में नाम आया था और वो क्षेत्र का हिस्ट्री सीटर भी है। रंगबाज आलोक यूट्यूब चैनल बनाकर अपने दबंगई भरे वीडियो बनाकर पोस्ट करता रहता है। उसका कमाई का जरिया एटा जिले में तमंचे, कारतूस लाकर बेचने का काम है। उसके साथ रहकर अन्य को भी हिम्मत आ गई और उन्होंने हत्या जैसे कांड को अंजाम दे दिया। बताया जा रहा है कि शिवम की एक युवती से दोस्ती थी। आरोपी युवक से उसकी दोस्ती थी। कुछ दिन पूर्व बलवा के एक मामले में शिवम को जेल जाना पड़ा। इस दौरान सोनू जाट ने युवती से दोस्ती कर ली। दोनों के बीच इस कारण तकरार भी हुई थी। शुक्रवार की शाम उन्होंने शिवम को फ़ोन करके बुलाया और शिवम अपने मौसेरे भाई के साथ कार से वहां पहुंचा तो आरोपियों ने गाड़ी में बैठे शिवम पर तमंचे से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसकी जान ले ली। एसपी सिटी बोत्रे रोहन प्रमोद ने बताया कि हत्या में शामिल एक आरोपित को गिरफ्तार किया गया है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई हैं। जल्द ही हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर लिखकर जरूर बताएं। और उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए अब आप भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीके न्यूज यूपी, धन्यवाद। मलोदा क्षेत्र में एक गोली मार के युवक की हत्या की है सर, पूरा मामला क्या है सर? थाना इतमाउद्दौला क्षेत्र में एक युवक की हत्या की खबर पुलिस को प्राप्त हुई थी। मौके पर सभी अधिकारी और थाने की टीम, साथ ही में फील्ड यूनिट और डॉस्पॉट भी थाना पहुंचा था, जिसमें जिस व्यक्ति को गोली मारी उसका नाम शिवम यादव के रूप में उसकी पहचान हुई है और जिस गाड़ी में उसकी लाश मिली वो गाड़ी की पुलिस को बरामद हुई है। मौके से काफी वगैरह इतना भी बरामद हुआ है, फील्ड यूनिट को सारी चीज़ें देख ली है। इसी प्रकरण में कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं और उनको गिरफ्तारी के ऊपर प्रयास जो है पुलिस नहीं कर रहे हैं। लगभग 6 से 7 टीमें इस मर्डर के खुलासे के लिए लगाए गए। सर, ये जानकारियां करने आया है कि इन लोगों का एक गैंग था जिन्होंने यूट्यूब पे UPSC आगरा गैंगस्टर तो गैंग बनाया है, क्या सर इनकी गतिविधि रही है? कोई सर अरेस्ट हुआ है इसमें भी सर? हाँ, क्या घटना हुई आज? घटना ये हुई है कि हमारी बड़ी वाली दीदी थी, उसके ब्लड चढ़ रहा था JD हॉस्पिटल में जी, तो हम सब लोग वहीं मौजूद थे और 10 मिनट पहले उसका कोई कॉल आया कि मतलब मुझे कोई बुला रहा है। तो ये 2-4 लड़के इसके साथ में थे जो हॉस्पिटल में मतलब देखने आए थे दीदी को, उनको लेकर के और ये गया है गाड़ी लेकर के। और उसके बाद में हम लोग जो ब्लड चढ़ रहा था दीदी पे, तो हमने सोची कि अब इसका ऑपरेशन 10-15 दिन बाद कराएंगे, तो इसलिए हम लोग वहीं हॉस्पिटल में रुके हुए थे। 10-15 मिनट बाद हमारे पास फोन आया कि ऐसे ऐसे शिवम की गोली मारी है, तो हमने वो एकदम घबरा गए और दीदी की छुट्टी कराने के लिए हम लोग बैठे हुए थे, वो भी एकदम सब हॉपलेस हो गए और गोली लगी है, गोली लगी थी छाती में और हम देख करके बेहोश हो गए सब लोग। कितना कॉल आया था और कौन सी जगह पर गए थे? ये काशीराम के पास गए थे कोई 80 फुटा पे। गोली किसने मारी? गोली एक वो है सोनू जाट है और आलोक यादव है और इसके अलावा 5-7 लोग अन्य हैं। और आलोक गैंगस्टर के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उसमें सब लोगों का फोटो है। अच्छा, वो बहुत बड़ा गैंगस्टर है, उनके नाम नहीं पता है मुझे, लेकिन आलोक यादव गैंगस्टर के नाम से यूट्यूब पे चैनल है। क्या वजह रही गोली मारने की? वजह तो मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। हम तो हॉस्पिटल में थे पर इतनी खबर मिली है कि 10 मिनट पहले ही बुलाया है, उसके बाद रिपोर्टिंग है।